गाइस आप लोग काफ़ी दिनों से बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो रेडमी नोट 10 सीरीज़ को लेके, जिसको लेके अभी इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में हाइप पे हाइप बनते जा रहा है। हर दिन कुछ ना कुछ नए लीक नए न्यूज़ सामने आ रहा है। रेडमी नोट लाइनअप जो इंडिया के अंदर बहुत ही एक पॉपुलर स्मार्टफोन सीरीज़ है, बेस्ट बजट स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है हर साल रेडमी नोट सीरीज़ के स्मार्टफोन, लेकिन इस साल कुछ अलग करने जा रहा है Xiaomi Redmi Note सीरीज़, क्योंकि इस साल इंट्रोड्यूस किया है रिसेंटली माइक्रोमैक्स, जो कमबैक किया है बजट प्राइस के अंदर, काफ़ी तगड़ा स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो माइक्रोमैक्स इन नोट 1 एंड 1B, दोनों डिवाइस बजट प्राइस के अंदर सबसे बेस्ट फीचर्स प्रोवाइड करता है। तो ऐसे में Realme माइक्रोमैक्स ब्रांड को टक्कर देने के लिए Xiaomi को और भी कमाल के फीचर्स के साथ लॉन्च करना पड़ेगा, एंड ठीक वैसा ही फीचर्स के साथ लॉन्च किया जाएगा Redmi Note 10 सीरीज़ के सभी स्मार्टफोन। तो काफ़ी सारे जो लेटेस्ट न्यूज़ लेटेस्ट अपडेट निकल के सामने आए Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन को लेके। जी हाँ गाइस, Redmi Note 10 Pro Max जो एक हाई एंड वेरिएंट होगा एंड सबसे बेस्ट फीचर के साथ लॉन्च किया इस स्मार्टफोन को। तो मैं इस वीडियो के अंदर इसी Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन आप लोगों को बताऊंगा, साथ में बताऊंगा स्मार्टफोन को कब तक एंड कितने प्राइस के अंदर इंडिया मार्केट में लॉन्च किया गया, एंड सच में Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन भी इस साल का बेस्ट बजट स्मार्टफोन होगा या फिर नहीं। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा, वीडियो को एंड तक पूरा देखिएगा, एंड आपसे एक ही रिक्वेस्ट है वीडियो को प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर देना। तो सबसे पहले आप लोगों को बता दूँ कि Redmi Note 10 सीरीज़ एक 5G स्मार्टफोन सीरीज़ होने वाला है। जी हाँ गाइस, अभी तक का जो सबसे चीपेस्ट 5G स्मार्टफोन है 25,000 प्राइस के अंदर लॉन्च किया है OnePlus Nord स्मार्टफोन, एंड 15,000 प्राइस के आसपास लॉन्च किया जाएगा Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन जो एक 5G डिवाइस होने वाला है। एंड स्मार्टफोन के अंदर आपको एक 5G चिपसेट मिल जाएगा जो स्नैपड्रैगन की तरफ से आएगा, स्नैपड्रैगन 750G प्रोसेसर जो काफ़ी लेटेस्ट प्रोसेसर है, डुअल 5G को सपोर्ट करता है। गेमिंग के लिए गाइस नो डाउट काफ़ी बेहतर एक्सपीरियंस मिलने वाला है, गेमिंग परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतर होगा, एंड डेली यूजर्स के लिए डेली टास्क के लिए नो डाउट काफ़ी बेहतर स्मूथ एक्सपीरियंस आपको मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 750G। तो गाइस यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन एक कंप्लीट 5G डिवाइस होगा, साथ में इस डिवाइस के अंदर आप देख पाएंगे 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर। जी हाँ गाइस, बजट प्राइस के अंदर आपको पहली बार मिलने वाला है 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर जो यहाँ पे Xiaomi की तरफ से आने वाला है Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन। इस यहाँ पे आपको पेंटा कैमरा सेटअप होगा या फिर क्वाड रियर कैमरा सेटअप होगा वो अभी तक थोड़ा कन्फ्यूजन में है, लेकिन मुझे लगता है क्वाड रियर कैमरा सेटअप आएगा यहाँ पे 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन के अंदर। फ्रंट साइड आप देख पाएंगे 6.5 इंच का एक सुपर एमोलेड पैनल डिस्प्ले जिसके अंदर फुल एचडी प्लस रेजोल्यूशन डिस्प्ले जो होगा इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आएगा, साथ ही में आपको यहाँ पे पंचल कटआउट यानी कि पंचल सिंगल कैमरा मिल जाएगा जो 32 मेगापिक्सल सेल्फी कैमरे के साथ, तो काफ़ी बेहतर आप सेल्फी भी ले सकते हैं इस स्मार्टफोन के साथ। बैटरीज को लेकर बात करेंगे तो यहाँ पे 4800 mAh का बैटरी जो कन्फर्म हो चुका है, साथ ही में 33 वाट का फास्टिंग सपोर्ट मिल जाएगा टाइप सी पोर्ट के साथ। तो यहाँ पे Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन का जो मेन दो बड़ी फीचर्स होने वाला है 108 मेगापिक्सल कैमरा सेंसर एंड स्नैपड्रैगन 750G जो 5G चिपसेट के साथ आएगा Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन। तो इस वीडियो के अंदर जो भी बताया सब कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग, अभी तक Xiaomi की तरफ से कोई भी इन्फॉर्मेशन ऑफिशियली बताया नहीं गया है, जो भी मैं बताया सब कुछ लीक्स के अकॉर्डिंग। तो इस वीडियो के अंदर Redmi Note 10 Pro Max स्मार्टफोन के बारे में इतना ही गाइस, वीडियो देने पर शुक्रिया, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को शेयर कर दीजिए, एंड अगर आप हमारे चैनल में नए हो, वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो लाऊंगा आप लोग नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। थैंक यू गाइस, जय हिंद।